नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां दिखेंगी खबर सच। कोरोना काल में अस्पतालों की मनमानी, 29,000 लोगों से वसूले 21 करोड़ से ज्यादा। कोविड संकट के दौरान निजी अस्पतालों ने जमकर की ओवरचार्जिंग। शिकायतों के बाद भी नहीं थमे थे ओवरचार्जिंग के मामले। ओवरचार्जिंग पर नकेल कसने के लिए बीएमसी ने निजी अस्पतालों में नियुक्त किए थे ऑडिट्स। कोविड 19 संकट की पहली और दूसरी लहर के दौरान निजी अस्पतालों ने नियम कायदों को ताक पर रखकर मनमानी वसूली की। बीएमसी के पास ऐसी तमाम शिकायतें पहुंची जिनमें कहा गया था कि निजी अस्पताल मरीजों से ओवरचार्जिंग कर रहे हैं। इसके बाद बीएमसी ने ओवरचार्जिंग पर नकेल कसने के लिए हर निजी अस्पताल में दो दो ऑडिटर की नियुक्ति की थी। करीब 70 ऑडिटर ने 35 अस्पतालों में 29,000 बिलों की जांच की। इनमें 21 करोड़ रुपए ओवरचार्जिंग पाई गई है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि जून 2020 से फरवरी 2022 तक ओवरचार्जिंग को 462 शिकायतें मिली थी। इनमें से 265 शिकायतें सही पाई गई। शेष शिकायतों में कोई ठोस तथ्य नहीं थे। करीब 20 करोड़ रुपए के अस्पतालों के बिलों में करीब 3 करोड़ रुपए की ओवरचार्जिंग पाई गई थी। इन शिकायतों के अलावा बीएमसी ने प्राइवेट अस्पतालों में 28,000 से अधिक बिलों का भी ऑडिट किया है। इन बिलों का ऑडिट करने पर बीएमसी ने करीब 18 करोड़ रुपए से अधिक की ओवरचार्जिंग पाई है। सरकार द्वारा तय दर के बावजूद अस्पताल प्रबंधक विभिन्न तरीकों से अधिक रकम वसूल करते रहे। ककानी ने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों ने बिल में दवाओं के साथ पीपीई किट, मास्क, हेड ग्लव्स का भी पैसे वसूले थे। बीएमसी के अकाउंट विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अस्पतालों ने मेडिकल उपकरण सैनिटाइजर करने का भी चार्ज मरीजों से वसूला है। इतना ही नहीं, कुछ अस्पतालों ने ऑक्सीजन का भी शुल्क वसूला किया है। ये थी दरें। राज्य सरकार ने कोरोना मरीज के इलाज के लिए शुल्क तय किया था। इसके तहत आइसोलेशन वार्ड के लिए 4,000, आईसीयू के लिए 7,500 और वेंटिलेटर के लिए 9,500 रुपए प्रतिदिन शुल्क तय किया था। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।